हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। अभी अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एयरटेल फ्री में डेटा दे रहा है, वो भी पूरे एक साल के लिए। तो मैंने एयरटेल की साइट विजिट करी तो हाँ यार, इनकी साइट पे भी लिखा हुआ है फ्री डेटा, वो भी बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में, फॉर 12 मंथ्स। सो मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है कि जियो अब खत्म हो रहा है 3 महीने बाद, तो 12 महीने फिर मुझे फ्री डेटा मिल जाएगा। तो 2017 जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, मीन्स फ्री में वापस से 4G डेटा मिलेगा सबको। बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा तो हुआ है कुछ, बट इस पे कुछ क्लिक हो नहीं रहा है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं स्विच टू एयरटेल 4G। अब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ये लोग बता रहे हैं कि 4G आपको डेटा मिलेगा, वो भी 12 मंथ्स के लिए। और ये बोल रहे हैं कि इनकी इसकी मार्केट वैल्यू है 9,000 रुपीज़। मतलब इनके हिसाब से 12 मंथ्स तक जो ये डेटा देंगे उसकी मार्केट वैल्यू है 9,000 रुपीज़। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि टर्म्स एंड कंडीशन की बटन काम कर रही है। तो मैंने जब ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो मुझे ये समझ आया कि ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऑफर तो है, और वो ऑफर उन लोगों के लिए है जो 8 दिसंबर 2016 के बाद एयरटेल में जुड़े हैं या फिर अब जुड़ेंगे नए लोग। और ये ऑफर उनके लिए भी है जिनके पास 4G फोन है और अभी तक वो लोग एयरटेल यूज नहीं किया है, जिन लोगों ने अभी तक एयरटेल। बट इसमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने और सर्च किया तो मुझे एक ब्लॉग मिला जो कल पोस्ट हुआ था। ये ब्लॉग कल एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट हुआ है न्यू दिल्ली से 3rd of January 2017 में। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि आपको 12 मंथ्स डेटा हम लोग देंगे अगर आप एयरटेल 4G में स्विच होते हैं, मीन्स अगर आप नई सिम खरीदते हैं या फिर MNP करा के एयरटेल में जुड़ते हैं। और ये जो ऑफर है ये बोल रहे हैं 28 February तक ही ऑन रहेगा। इसमें ये इनका कहना है कि 3GB डेटा आपको हर महीने देंगे ये 31 दिसंबर तक। मतलब यार 31 दिसंबर पूरे साल ये लोग 3GB डेटा देंगे। बट यहाँ पे कंडीशन ये इनने डाल दी है कि 345 का जो प्लान है इनका प्रीपेड का, उससे आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। अगर आप उससे रिचार्ज कराते हैं तो आपको 1GB डेटा तो अभी मिलता ही है उससे, और उसमें लोकल STD सब फ्री हो जाता है। तो उसमें ये लोग 1GB की जगह +3GB और कर देंगे। मतलब ये जो फ्री बोल रहे हैं ये फ्री तो है नहीं, मुझे लग रहा है ये तो एड ऑन बोल सकते हो आप, एडिशनल डेटा ये लोग दे रहे हैं 1GB के ऊपर। सो 345 का अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो आपको 1GB +3GB डेटा, मतलब टोटल 4GB डेटा ये लोग देंगे एक महीने के लिए। तो अब बात मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर मैं 345 रुपीज इनको दूंगा तब मुझे ये 4GB डेटा देंगे, और उसी समय जियो, रिलायंस जियो जो चल रहा है मार्केट में, जो बोल रहा है कि हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं 31 मार्च तक, मतलब वो लोग मुझे हर दिन 1GB डेटा अगर दे रहे हैं तो क्या सीन बनता है कि मैं एयरटेल को 345 रुपीज दूं और उसके बाद उनसे 4GB वो भी पूरे महीने का लूं। और उससे अच्छी बात आपको ये दिखेगी इस ऑफर में कि इस ऑफर में ये लोग बोल रहे हैं 28 February तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो अगर ये ऑफर 28 February तक ही वैलिड है तो ये इसका तो वो पूरा यूजलेस ऑफर है ये, क्योंकि अगर जियो इस समय अगर फ्री नहीं दे रहा होता तो इनका जो प्लान है 499 का, जिसमें 4G डेटा वो लोग दे रहे हैं 4GB, तो इस प्लान को ये टक्कर कर सकता था एयरटेल अगर ये 31 मार्च के बाद ये प्लान लाता, या फिर इसकी वैलिडिटी और ये बढ़ाता है अगर आगे, तो ये टक्कर दे सकता है। मतलब फिर आप एयरटेल में 345 रुपीज में 4GB 4G डेटा ले सकते हैं और अनलिमिटेड कॉलिंग ले सकते हैं पूरे इंडिया में किसी भी नेटवर्क पे। बट अभी तो जियो, जब आपको पता है जब वो चीजें फ्री दे रहा है तो इस प्लान से उसकी टक्कर तो दूर दूर तक है ही नहीं। तो पता नहीं एयरटेल क्या समझ के ये ऑफर लाया है या क्या करना चाह रहा है ये ऑफर लाके। चलिए ये होने के बाद मुझे लगा कि यार ये भी कुछ गलत हो सकता है, इसमें भी कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एयरटेल की जो ऑफिशियल इनका नंबर है, कस्टमर केयर नंबर, उस पर कॉल किया और एक बार पूछना चाहा कि ये पूरा प्लान काम कैसे करता है। तो अब आप भी सुन लीजिए कि उन लोगों ने मुझे क्या बताया। जी आपको बताना चाहूंगा, जी ऑफर है एयरटेल की तरफ से भी नया ऑफर लॉन्च हुआ है। इसमें आपका जो हैंडसेट है 4G हैंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो हैंडसेट है 1 दिसंबर को लिया होना चाहिए आपका जो हैंडसेट। तो 1 दिसंबर को लेना चाहिए, 1 दिसंबर के बाद कभी भी ले सकता हूँ मैं मेरा हैंडसेट। 1 दिसंबर के बाद से जो जितने भी हैंडसेट है उनके लिए ऑफर है, ठीक है। उसमें आपके सिम 4G होने चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा सिर्फ आपको इसमें 4G हैंडसेट होना चाहिए, उनपे ही मिलेगा ये। इसमें आपको 349 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। 349 का रिचार्ज कराने पर सभी नंबरों पर कॉल कर पाएंगे अनलिमिटेड, प्लस आपको 3GB डाटा मिलेगा आपको एक महीने के लिए। और हर महीने रिचार्ज कराएंगे तो हर महीने आपको 1GB 3G डाटा मिलेगा, 1+3GB यानी कि 4GB डाटा मिलेगा 12 महीने तक। तो ये 4G रहेगा या 3G स्पीड पर रहेगा? 4G 3G 2G तीनों रहेगा सर। ओके, और इसमें जो आप बोल रहे हैं प्लान मुझे कराना है, आपके साइट पर क्या
35 दिखा रहा है वो, तो मुझे 335 से कराना है या 349 से कराना है? चेक करके जानकारी बताइए यार, लाइन पे बने रहे। नहीं 349 का ही रिचार्ज कराइएगा, ठीक है? ओके। और ये कितनी बार में करा सकता हूँ रिचार्ज? जी मैं 12 महीने के लिए सर, 12 महीने में कभी भी करा सकता हूँ। अगर मैं हर दिन अगर 4 GB यूज कर रहा हूँ तो हर दिन कराएंगे, 12 दिन मिलेगा आपको। तो जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि ये लोग बोल रहे हैं मुझे 349 का रिचार्ज कराना है, बट इनके ऑफिशियल साइट वो भी कल ही लॉन्च हुई है, जहाँ पे कल उन लोगों ने ये वाली पोस्ट डाली है कि 345 का प्रीपेड का ऑफर है, यहाँ पे ना स्टार है ना कुछ है, मतलब इनकी साइट पे इन लोगों ने मेंशन किया है 345 रुपीस, वो कस्टमर केयर मुझे बता रहे हैं 349 रुपीस, उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि ये ऑफर से हम जियो को टक्कर देंगे। तो भाई मुझे तो सीन समझ आ नहीं रहा है कि एयरटेल करना क्या चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में। सो जो इन लोगों ने फ्री फ्री लिखा है वो फ्री तो नहीं है, ये तो मुझे समझ आ गया है, ये एडिशनल डेटा है और आपको 345 रुपीस या 349, आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू पे, बट 70 रुपये का रिचार्ज मुझे कराना है तभी मुझे वो डेटा एडिशनल डेटा मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बताइए एयरटेल अब बहुत लपक के बौखला गया है कि वो करेगा क्या ज़िंदगी में, बिकॉज उसको पता ही नहीं है, उसके पुराने कस्टमर भी जा रहे हैं, नए कस्टमर आ नहीं रहे हैं और ऐसे ऐसे प्लान वो ला रहे हैं कि उनकी साइट पे कुछ प्लान अलग बता रहा है, वो कस्टमर केयर पे कुछ अलग बता रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, कोई भी मैपिंग नहीं दिख रही है पूरी टीम के बीच में। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियोस लाऊंगा तो आपको वो वीडियोस देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो प्लीज़ यू कैन लाइक माय चैनल, थैंक यू।